विराट कोहली बेस्ट है? ऑफ कोर्स विराट कोहली बेस्ट है, वो अपनी जगह है, बाबर आजम अपनी जगह है। ये सवाल आज आप दूसरी कंट्री में पूछते तो भी विराट कोहली को बताते। बाबर भी खिलाड़ी बहुत अच्छा है, लेकिन बेस्ट की अगर बात करेंगे तो हमारा विराट कोहली एक नंबर के। मेरे लिए विराट कोहली बेस्ट है, जो कि मेरे इंडिया का एक बेस्ट प्लेयर है। वहाँ सिचुएशन बहुत अच्छी है, नहीं टीवी अभी इस बार नहीं टूटेगी, आक्रोश किसी और तरीके से शायद निकाला जाए। बेस्ट तो वही है विराट कोहली, पाकिस्तान वाले भी यही बोलते हैं विराट इज द बेस्ट। पाकिस्तान हरा सुपर फोर, इंडियंस बोले ये दिल मांगे मोर, पाकिस्तानी पीटे अपना सिर, टीवी तोड़ा टूटा दिल। जब जब देश में मैच होते हैं तब तब लोगों की लोकप्रियता बढ़ी रहती है, मगर देखने वाली बात यह होगी कि जब जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच आता है तो लोगों की उत्सुकता कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। जहां पे भारत ने 356 रन बनाकर पाकिस्तान को 228 रन से शिकस्त दी है, जहां पाकिस्तान में जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने घरों के टीवी तोड़ दिए हैं, तो क्या हम पब्लिक से, यहां उत्तर प्रदेश की पब्लिक जहां जनपद अमरोहा में रहते हैं तो वहां से बात करते हैं हम अमरोहा जनपद के लोगों से कि क्या किस तरह मैच को देखा गया और क्या क्या यहाँ लोगों में खुशियां मनाई गई जैसे पाकिस्तान को हराया। अच्छा महसूस हुआ, अभी तो पाकिस्तानियों ने टीवी तोड़े हैं, अगली बार वो सिर फोड़ेंगे एक दूसरे के, बाकी उनके पास तो कुछ बचा नहीं है, वो सिर ही फोड़ेंगे। देखिए भावनाओं का खेल है, हमारा भारतवर्ष पूरा दिल से लेता है, मगर हमसे ज्यादा जो जीतने की इच्छा है वो पाकिस्तान की है, और ये क्रिकेट के अंदर नहीं है, उनकी जीतने की बॉर्डर पे भी इच्छा है, उनकी जीतने की दुनिया को भी जीतना चाहते हैं। हालांकि उनके हालात आप लोग देख रहे हो, वो कभी जीत नहीं पाए, जैसे कि आपके छक्के पड़े हैं भारत वालों ने लगाए हैं, उन पर लगाए हैं, ऐसे जो है हम भी बॉर्डर पर छक्के लगाने के लिए तैयार हैं। सेहरा जो है, भारत जो है मजबूती से उनके साथ बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार है सब नौजवान, और जो है ये कभी भी नहीं जीत पाएंगे भारत। और काफी अच्छा लगा पाकिस्तान को हारते हुए देखते हुए, अभी फाइनल दूर है, पाकिस्तान उसमें भी मैच में बेहतरीन जो पारी निभाई है वो विराट कोहली और केएल राहुल ने। और मैं बधाई देना चाहूंगा इन सभी खिलाड़ियों को जिसने मेहनत की है और पाकिस्तान को केवल 125 रन के लगभग ही आउट कर दिया। पाकिस्तान को हारते हुए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बताइए विराट कोहली और बाबर आजम में आप किसको क्रिकेट का बेताज बादशाह मानते? ये सवाल आज आप दूसरी कंट्री में पूछते तो भी विराट कोहली को ही बताते, इंडिया के अलावा दूसरे कंट्री में पूछते तो वो लोग भी विराट कोहली सर बोलते हैं। जी 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 भारत भारत, ओ थैंक यू भारत, क्या बात है भारत। एक्चुअली अब फाइनेंशियल स्टेटस वैसा रहा नहीं है तो मुश्किल है तोड़ना, है ना, मतलब वहाँ सिचुएशन बहुत अच्छी है नहीं, जैसा वही न्यूज़ चैनल से मैंने देखा है कि बहुत बढ़िया कंडीशन नहीं है, लोगों को खाने पीने की भी प्रॉब्लम है, तो टीवी अभी इस बार नहीं टूटेगी, आक्रोश किसी और तरीके से शायद निकाला जाए। वन एंड ओनली है विराट कोहली, और कोई है ही नहीं, इसके आगे कोई है ही नहीं, कोई कंपेरिजन नहीं है, क्योंकि विराट कोहली ने अपने आप को प्रूफ किया हुआ है ऑलरेडी, और बाबर आजम को अभी प्रूफ करना पड़ेगा बहुत लंबे टाइम तक। सचिन ने जो लेगेसी बनाई है उस लेगेसी को लेके जाने वाला विराट कोहली जैसा ही एक बैट्समैन चाहिए था, एंड मैं खुश हूँ कि विराट कोहली भी भारत से ही है सचिन की तरह, और अभी कंपैरिजन तो है नहीं, विराट कोहली का बाबर आजम क्या किसी और भी बैट्समैन के साथ में भी कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता, क्योंकि आप देखिए रिकॉर्ड्स बताते हैं, और जैसे पहले सचिन के बारे में कहा जाता था कि सचिन ने जितनी भी सेंचुरीज बनाई है उसमें इंडिया हारी है या अपने लिए खेला है, बट ऐसा था नहीं, उस चीज़ को भी विराट ने प्रूव करके दिखाया है, जब जब विराट का बल्ला चला है भारत ऊंचाई पे पहुंचा है। अगर फाइनल पाकिस्तान, अगर नहीं भारत पहुंचेगा नहीं, जहां मैच खत्म हुआ है वहीं से शुरू करेंगे, वहीं से शुरू करेंगे, और भगवान ने चाहा तो और अच्छी मात देंगे। देखिए विराट कोहली मतलब बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, और उसको भारतीय होने पर गर्व है, और उसके वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर के जो रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा अर्धशतक के, ये आने वाले समय में विराट कोहली तोड़ देंगे, और अपना हिंदुस्तान इस बार वर्ल्ड कप जीतेगा। जियो शान से विराट कोहली के नाम से भारत माता की जय हो। फाइनल में अगर पाकिस्तान भारत जीतता है, हराता है, तो क्या वहाँ टीम टूटेगी? पाकिस्तान वहाँ की आवाम को हर बार टीम तोड़ देती है ना, आपको क्या लगता है? सर देखिए आपको बता दे रहे हैं, टीवी फोड़ना ये जो मतलब होता है ये गलत है। देखिए खेल जो मतलब होता है
वो मतलब क्या कहते हैं, कोई भी जीत सकता है कोई भी हार सकता है, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि अपना हिंदुस्तान जीते, क्योंकि मतलब युवा प्लेयर आ गए हैं, शुभम गिल आ गए हैं, श्रेयस अय्यर आ गए हैं और महेंद्र सिंह धोनी आने वाले समय में हिंदुस्तान के मतलब कोच होंगे। और मेरी मतलब शुभकामनाएं हैं भारतीय क्रिकेट टीम को, हर खिलाड़ी को और खास तौर से हार्दिक पांड्या को, आने वाले समय में वर्ल्ड कप में वो सबसे ज्यादा छक्का मारेंगे, ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। विराट कोहली बेस्ट हैं और इंडिया के लिए विराट कोहली बहुत अच्छा खेलते हैं हमेशा, और उनको ही सब मानते भी हैं और मैं भी उन्हीं को मानता हूं। सवाल मेरा ये है, विराट कोहली और बाबर आजम, इन दोनों में से आप किसको बेहतर मानते हैं? मेरे हिसाब से दोनों ही अपनी जगह बेहतर हैं, क्योंकि विराट कोहली उनसे थोड़ा सीनियर हैं और दोनों अपनी जगह बेस्ट हैं, उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता, वो गलत है मेरे हिसाब से। ये दोनों अपनी जगह बढ़िया हैं, कि बाबर आजम भी नंबर वन है इस समय रैंकिंग में, तो उनको विराट कोहली से कंपेयर करना, और माएस्ट्रो में विराट कोहली नंबर वन है, तो वो कंपेरिजन मेरे हिसाब से गलत है। बस बेस्ट खिलाड़ी दोनों में कौन है? अच्छा, अगर हम ये बात करेंगे बादशाह कौन है क्रिकेट का दोनों में से, तो मतलब जो मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट है वो तो फिर विराट कोहली है। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है, अभी फाइनल होना है, तो आपको लगता है कि फाइनल में अगर हारता है पाकिस्तान तो टीवी भी तोड़े जाएंगे जैसा कि पाकिस्तान में होता रहता है? विराट कोहली हैं जो सबसे ज़्यादा रनस मारते हैं और अच्छा क्लासिकल बैटिंग करते हैं, उनके अलावा तो कोई लगता भी नहीं बैट्समैन कोई अच्छा है, उन्हीं की वजह से तो कल मैच भी जीते हैं, 100 मारा है उन्होंने, तो बहुत अच्छा करते हैं। क्या लगता है फाइनल में अगर भारत पाकिस्तान को हराता है तो पाकिस्तान में फिर टीवी भी तोड़े जाएंगे जैसे टूटते हैं हर बार? हाँ, वो तो तोड़े ही जाएंगे। जी जी, आसमान ये बताइए कि बाबर आजम और विराट कोहली में आप किसको क्रिकेट का बेताज बादशाह मानते हैं? देखिए, बेताज बादशाह का तो जो मतलब क्रिकेट में क्या होता है, आपका खेल डिपेंड करता है। अगर आप एक बाबर और विराट दोनों ही एक अच्छे लेवल के बैट्समैन हैं, जो कि T20 में जो है बाबर आजम भी अच्छा है और विराट भी अच्छा है, बाकी विराट के हालांकि तीनों सेमेस्टर में अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस है, तो इस कारण तो मैं तो ऑल ओवर इंडियन हूँ तो विराट को ज़्यादा सपोर्ट करूँगा, बाकी प्लेयर दोनों अच्छे हैं। आपका फेवरेट कौन है? फेवरेट मेरा रोहित शर्मा। सवाल यह है कि फाइनल में अगर भारत जो है पाकिस्तान को हराता है तो आपको क्या लगता है कि वहाँ टीवी भी तोड़े जाएंगे पाकिस्तान में जैसा हर बार होता है? देखिए, वहाँ के वो तो ऑडियंस के हिसाब से उनको जैसा भी वो करते होंगे, ऐसा तो हमको नॉलेज है नहीं। हमेशा गुस्सा बात की जो आवाम है उसमें देखा जाता है, पब्लिक है उसमें देखा जाता है। हालांकि इसी कारण जो है इंडिया का मैच वहाँ नहीं हो रहा है, यही रीज़न है, वहाँ के जो पब्लिक है उनके जो मतलब गुस्से होते हैं, हालांकि कई टीमों पे वहाँ हमला भी हो चुका है, आप पता ही होगा आप लोग को, तो इस कारण मैच जो है हम लोग के श्रीलंका में हो रहे हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ के पब्लिक के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहता है। ये बताइए, क्रिकेट के मैदान में कौन बेस्ट है, बाबर आजम या विराट कोहली? विराट कोहली। विराट वो पुराना खिलाड़ी है, खेलता भी अच्छा है और रिकॉर्ड भी अच्छे हैं उसके, हर चीज़ अच्छी है, वो अपनी जगह है, बाबर आजम अपनी जगह है। तो जो लोग कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, आप मानते हैं कि कंपेयर करना चाहिए? नहीं, कंपेयर के सवाल ही नहीं उठता है। नहीं, क्यों नहीं होता है? कहाँ सवाल, आप उसका कोई भी विराट कोहली का मैच दे, 5 मैच में 2 या 3 मैच तो खेल ही लेता है वो, बाबर आजम 10 मैच में 1 मैच खेलते हैं, कहाँ उसके 13,000-14,000 रन हैं, बाबर आजम ने आधे मैच नहीं खेले होंगे जितने विराट कोहली ने खेले हैं। जिस तरह से मैच लगातार पाकिस्तान खेल रहा है, अगर ये मैच खेलता रहा तो क्या उनके बराबरी कर सकते हैं? वो बात की बात है, फिलहाल अभी तो नहीं कर सकते हैं। भाई, हमारे हिसाब से जो जितनी सेंचुरी विराट कोहली की 47वीं सेंचुरी उन्होंने मानी, उस हिसाब से तो विराट कोहली बहुत बेस्ट है बाबर आजम से। अच्छा, आपको लगता है कि अगर लगातार बाबर आजम मैच खेलते रहे तो आने वाले समय में उनकी बराबरी कर सकते हैं? नहीं। क्यों? विराट में और बाबर आजम में बहुत फर्क है। बाबर आजम अभी चल रहे हैं, आज चल रहे हैं, साल भर चलेंगे उसके बाद, लेकिन विराट कोहली अपना 47वीं सेंचुरी पूरी कर चुके हैं, अब उनको पूरी करने में भी बहुत समय लग जाएगा, इतना उनका करियर भी खत्म हो सकता है। तो आप मानते हैं कि ये लंबी जैसे होना है? भाई, हो सकता है, वैसे हमारे इतना वो नहीं है चांस। ऑफकोर्स विराट कोहली बेस्ट है, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, फील्डिंग भी अच्छी है और कप्तानी भी अच्छी किया हुआ है, और विराट कोहली को यूथ बहुत पसंद करता है, देश पसंद करता है, देश के बाहर जो है अन्य देशों में भी बहुत पसंद किया जाता है, विराट कोहली इज़ द बेस्ट। मेरे हिसाब से तो विराट कोहली बेस्ट है, वी आर इंडियन और इंडियन लाइक हम लोग तो इंडियन प्लेयर पसंद करते हैं, लेकिन बाबर के बारे में अगर बात करी जाए तो बाबर भी खिलाड़ी बहुत अच्छा है, लेकिन बेस्ट की अगर बात करेंगे तो हमारा विराट कोहली एक नंबर पे है। देखिए, दोनों की अलग अलग श्रेणी हैं, कुछ टेक्निकल साउंड में बाबर आजम भी कहीं कमज़ोर नहीं है विराट कोहली की अपेक्षा, क्योंकि
इस आज के टाइम में विराट कोहली ढलान पे जा रहे हैं, फिर भी वो अच्छा खेल रहे हैं, ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है। बाबर आजम भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पाकिस्तान की शान है, और नहीं खेल पाना एक मानसिक टेंशन होता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हिंदुस्तान में नहीं खेल पाए तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान में हारने के बाद आप पाकिस्तान कंट्री में जाना बहुत असहज है। कोई सऊदी जाएगा, कोई इंग्लैंड जाएगा, तब जाके पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान टीम एकजुट होकर पाकिस्तान नहीं जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति भारत की तरीके बेहतर नहीं है, पाकिस्तान की स्थिति बहुत ख़राब है। बाबर आजम एक प्लेयर के हिसाब से कोई जोड़ नहीं, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। विराट कोहली सबसे बढ़िया प्लेयर है, बाबर आजम अभी नए आए, उसकी तुलना में कंपेयर करना असंभव है। विराट इज़ बेस्ट, बाबर आजम को बड़ा टाइम लगेगा पहुँचने में। सबसे पहले सवाल आपको पाकिस्तान वालों से पूछना चाहिए, पाकिस्तान इस टाइम खुद जो है सबसे ज़्यादा तारीफ विराट कोहली कर रहा है, अब हम भारतीयों ने नाते तो विराट कोहली का हमेशा प्रशंसक रहा, जिसके नाम में ही विराट है, उसकी तारीफ करने की जरूरत ही नहीं है, उसका खुद का नाम विराट है। कल की आप जो सेंचुरी उसकी देखेंगे 47 शतक हो चुके हैं, कम से कम खाली एक सचिन तेंदुलकर ऐसा प्रत्याशी बचे, एक ऐसे क्रिकेटर बचे हैं जिनके पास 49 शतक है, वो जो रिटायर हो चुके हैं, तो 50 शतकों का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं विराट कोहली, और बाबर आजम दूर दूर तक नहीं छू रहे हैं। मेरे लिए विराट कोहली बेस्ट है, जो कि मेरे इंडिया का एक बेस्ट प्लेयर है। बाबर आजम मेरे लिए कुछ नहीं है। बेस्ट कौन क्रिकेट के मैदान में? मेरे लिए विराट कोहली बेस्ट है। विराट कोहली के शतक इतने बढ़िया, इतना टैलेंटेड प्लेयर, उसके अंदर एक कप्तानी की क्वालिटी है, बिल्कुल अचीव करता है, बेस्ट तो वही है विराट कोहली। पाकिस्तान वाले भी यही बोलते हैं विराट इज द बेस्ट। विराट सबसे बेस्ट है, विराट सबका बाप है, बाबर आजम हो, शाहिद अफरीदी हो, कोई विराट सबका बाप है।